क्या गर्मी है। पर जेवण चांगलं होतं। हो, शादी का खाना तो बढ़िया था और गुलाब जामुन तो बहुत ही टेस्टी था। अच्छा, तुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद आया। चलो तेरे शादी में उसी कैटरर को बुकिंग करेंगे। इसे क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? खोलेगी, खोलेगी। जागृति, जागृति काय झोपा काढतेत का? खोलेगी, खोलेगी। चावी आहे तुझ्याकडे? आहे आहे। गर्मी हैरान झालोय त्याच्यात परत हे लोक ना। हो काय गर्मी आहे बाप। चलो हो गया शादी वाती सब। सीमा कुठे आहे मुली? बघा ना जागृती। ए सीमा, जागृती, जागृती, काय केलंस बाळा? सर, ये तो जागृति का घर है। क्या? हाँ सर, क्या हुआ? सर ये घर जागृति राणे का है। कौन? हमारे डिपार्टमेंट के, एक्चुअली हमारे थाने में हेड कांस्टेबल है। ओ, आओ देखते हैं। सर यही तो जागृति राणे हैं। मुझे पुलिस स्टेशन का चार्ज लिए हुए 3 दिन हो गए लेकिन मैंने इसे कभी देखा नहीं। सर इसने छुट्टी ले रखी थी, उसकी शादी होने वाली थी। ओ, ये दूसरी लड़की कौन है? सर ये जागृति की छोटी बहन सीमा। देखने से ऐसा लगता है कि जागृति पहले लड़की है और ये सीमा बाद में। देखो इन दोनों की गांठ देखो, अलग अलग बांधी गई है और ये सीमा की गांठ लगता है बहुत जल्दबाजी में बांधी गई है। पॉसिबल है कि जागृति पहले मरी है और सीमा बाद में। दोनों की बॉडीज नीचे उतारो, फोटोग्राफर और फॉरेंसिक को फोन करो। सर, जोशी मैडम खाली आना। सर हम सब बहुत शौक में हैं, बहुत बड़ा झटका लगा है हमें। ये लोग तो अभी आपसे कोई बात नहीं कर पाएंगे। आप कौन? सर मैं प्रशांत हूं, जागृति का मंगेतर। यह दिल दहलाने वाला मंजर था, सिर्फ लड़कियों के मां बाप के लिए नहीं, हमारे लिए भी। दो लड़कियां जिनके सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, जिनके कई सपने रहे होंगे, कई उम्मीदें रही होंगी। फिर ऐसा क्या हो गया, उन्होंने जिंदगी से मुंह मोड़ लिया या जिंदगी ने उनसे? गायकोर जरा इधर आना। अगर इसने सुसाइड किया है तो गले पर उंगलियों के निशान क्यों है? हो सकता है पहले इसका गला दबाया गया हो। शक क्या है, पूरे घर में कहीं भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर सर जागृति और सीमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत दोपहर 1 और 3 के बीच हुई और जागृति के गले पे जो उंगलियों के निशान है वो उसके खुद के थे। मौत की वजह? सर गला घोटने से। ये कैसे पॉसिबल है गायकवाड़, कोई खुद अपना गला घोट के कैसे मर सकता है? और उसने क्या पहले अपना गला घोटा और फिर अपने आप को लटका लिया? कोई है जो हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। ओ सर, और आपका ये शक भी सही निकला कि सीमा की मौत बाद में हुई थी। सर सीमा की मौत सफोकेशन से हुई और जागृति के करीब 20 मिनट बाद पहले किसी पॉलीबैग से उसका दम घोटा गया और फिर उसे लटकाया गया। यानी सर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ये सीमा प्रेग्नेंट थी। एक चीज तो क्लियर है गायकवाड़, हमें सुसाइड की नहीं, हमें मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करनी है। हो सकता है ये एक आदमी का काम हो या हो सकता है ये दो अलग अलग लोगों का काम हो। एक काम करो,
इनके सारे फैमिली मेंबर्स की मोबाइल लोकेशन निकलवाओ, देखते हैं सबसे बड़ा मोटिव किसके पास है, और तब तक इनके माँ बाप से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद हमें ये पता चला है कि आपके बेटियों ने सुसाइड नहीं किया, उनका मर्डर हुआ है। तो आप हमें प्लीज ये बताइए कि जब मर्डर हुआ तब आप कहाँ थे? सर, हम दोनों और प्रेरणा अमजी धाकटी मुलगी अपने एक रिश्तेदार के शादी में गए थे, तब जागृति और सीमा घर पर ही थे। जब हम वापस आए तो देखा तो फांसी लगा ली। फांसी लगा ली नहीं, उन्हें मार कर लटकाया गया है। एक और बात, क्या आप में से कोई भी ये जानता था कि सीमा प्रेग्नेंट थी? प्रशांत, प्रशांत है ना? जी। जब मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थे? घर पे ही था सर। सर, मैं 12 बजे से जागृति का फोन ट्राई कर रहा था लेकिन उसने उठाया ही नहीं, उसने कॉल बैक भी नहीं किया, वरना नॉर्मली वो मेरा मिस कॉल देखते ही कॉल बैक करती थी सर। क्यों नहीं फोन उठाया? नाराज थी तुमसे? झगड़ा हुआ था तुम्हारा? सर, झगड़े किसके बीच में नहीं होते, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ कि वो सुसाइड कर ले। सुसाइड नहीं प्रशांत, मैंने कहा ना मर्डर हुआ है। वैसे सीमा का कोई अफेयर? नहीं साहब, ऐसे काइंड होता, पर वो कॉलेज में एक संजय नाम से मुलगा होता। वो सर रात दिन उससे फोन पे बातें किया करती थी, बहुत टोका, लेकिन उसने कभी सुना ही नहीं। संजय, ठीक है अभी आप जा सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। एक लेडी कांस्टेबल की हत्या करके उसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई थी। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। 3 दिन पहले नासिक के जिस पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग हुई थी, वहां की हेड कांस्टेबल जागृति राणे और उसकी छोटी बहन सीमा राणे, इन दोनों की लाश उन्हीं के घर में छत से लटकी हुई मिली थी। क्या जागृति राणे को इस क्राइम की दस्तक मिली थी? जरूर मिली होगी, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाई और इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मेरे साथी PSI गायकवाड जागृति के साथ काफी अरसे से काम कर चुके थे। गायकवाड ने मुझे जागृति की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिनमें उसकी हत्या का राज छिपा हो सकता था। काही बोलता हो मुनीला बोलवाता लोकर घेऊनच जागृतीला मुहूर्ताची वेळ होत चालली आहे ना? भाई, वहीनी के बहादुरी के इनाम देखे तूने? हाँ, पुलिस वाली है बेटा, तू तो गया काम से। अरे माजा सोड़, तू तुझे बग, अगर उसे पता चल गया ना कि तू सारे 2 नंबर के काम करता है तो मुझसे पहले ना तेरी बैंड बज जाएगी। अरे लेकिन उसको ये बात बताएगा कौन? मैं और कौन? क्या यार तू भी। मिठाई लीजिए। मिठाई किस खुशी में? वो सर, मेरी एंगेजमेंट हो गई। ओह वाओ, गुड न्यूज, कांग्रेट्स। थैंक यू सर। लेकिन ये इतनी कंजूसी क्यों? एक लड्डू, मुझे पूरा बॉक्स चाहिए। ठीक है सर, कल आपके लिए पूरा अलग से एक बॉक्स लेकर आऊंगी, सिर्फ आपके लिए। पक्का लेके आना। जागृति बहुत खुश थी सर, उसका जो प्रमोशन भी ड्यू था। अगर सब कुछ ठीक था गायकवाड़ तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? सर डिटेल में तो नहीं पता, मैं तो उतना ही जानता हूँ जितना मैंने देखा और सुना है, और उस हिसाब से प्रॉब्लम तो थी। हेलो, आजकल बहुत बिजी रहती है तू, मेरा फोन भी नहीं उठा रही, कस्टमर था क्या? आजकल एक रात का क्या रेट चल रहा है तेरा? वैसे आज दिख बड़ी कमाल की रही है तू। सुन तो, बताना कितना ले रही है एक रात का?
अरे बाप रे, शक्ल तो देखो। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, बता ना। देख मैं जानती हूँ तू कौन है, अगर अगली बार तूने फोन किया ना तो तुझे जेल में बंद कर दूंगी, तुझ पे हरेसमेंट का केस भी लगाऊंगी, समझा? जस्ट शट अप। अगर तूने दोबारा मुझे फोन किया ना, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, समझा तू? जागृति, क्या हुआ? कुछ नहीं सर। पक्का? यस सर। ये देख ये वाली कैसी है, बहुत अच्छी है, ले लो ले लो ले लो। हाँ ले लो। अरे तुम्हें ये सब खुद खरीदने की क्या जरूरत है, तुम्हें देने वाले तो बहुत बैठे हैं। क्या क्या बोला तू? यही कि अब तुम्हारा भी मार्केट में आने का टाइम हो गया है। तेरी नत तो मैं ही उतारूंगा। जाके अपनी माँ की नत उतार, समझा ना? बकवास बंद कर अपनी। अरे छोड़ ना तू, चल। अरे मैं तो कह रहा हूँ मुंह लगी लो हमारे। चल यहाँ से, मैं कह रही हूँ ना। क्या बदतमीजी है, क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बेटियों को? अरे हम कहाँ परेशान कर रहे हैं, हम तो बस पूछ रहे थे कि दोनों कब से मार्केट में आ रही है, ताकि एडवांस में बुकिंग करवा ले। सुना है बड़ी वाली से बहुत अच्छी इनकम हो रही है, छोटी वाली को भी रख लो काम पर, बिजनेस दुगना हो जाएगा। कस्टमर रेडी है। और हाँ, ये जो भी कुछ हुआ ना उस बारे में तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बताना, ठीक है? चलो। बेकार में तू फैमिली वाला बन के घूम रहा है। क्यों, क्या हुआ? कितनी चीजें हैं मजा करने के लिए। अरे यार, कितने तरीके निकल आए हैं। पैसे दो, ऐश करो और निकल जाओ। अरे कुछ भी यार। अरे एक तरीका तो ये देख, ये तेरे सामने ही है, ये देख। मुझे काम है, तू जा, बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। अरे इधर जाना है ना अपने को, बाद में शाम को मिलते हैं। रात को मिलना। कहाँ है? हैं? आज तेरी वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। नालायक कहीं की, जिस दिन पहली बार तुझे पुलिस के वर्दी में देखा था ना, जितनी खुशी हुई थी उससे ज्यादा दुख आज मुझे ये देखकर हुआ है। तू एक उपकार करना मुझ पे, मत मिला मेरी इज्जत मट्टी में। एक लड़का ढूंढ, उससे शादी कर और निकल जाए इस घर से, नहीं तो ना तेरी वजह से ना इन दोनों से भी कोई शादी नहीं करेगा। पर बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे ये तेरी ही गलती है। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे इस घर में, पता नहीं। हाँ, वड़ा पाव विद एक्स्ट्रा हरी चटनी और ये हरी मिर्च मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाई है गायकोड़, खाओ खाओ। थैंक यू सर। अब मुझे एक बात बताओ, एक पुलिस वाली को भी इस तरह से कोई हरास कर रहा था, कौन था कौन ये? सर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन दीपक हो सकता है। कौन दीपक? सर दीपक उसका बॉयफ्रेंड। सुनने में आया है कि दोनों का अफेयर कॉलेज के जमाने से चल रहा था, दोनों ने पुलिस की एग्जाम भी साथ में दी थी, लेकिन जागृति पास हो गई और दीपक फेल। मैम गलती हो गई मैम। तेरी तो हवा मैं निकालूंगी, चल मैम अभी सोच लो। चुपचाप, अगर भागने की कोशिश की ना फिर देखना, चुपचाप बैठ यहाँ। और बेडू अच्छा सेल्फी लेते हैं। डर मत, पुलिस वाला नहीं है मैं और चोर भी नहीं है। सड़क पे जुआ खेलता है ना तू, मैडम पकड़ के लाई तेरे को, मामला रफा दफा करवा दूं। आंखों में उम्मीद की किरण तेज चमक रही है तेरे। देख सब सेटिंग हो जाएगा, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। सेटिंग। रुक जा, सोचना पड़ेगा कैसे। दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तेरे से मिलने को आया ना मैं। एक मिनट सर, बाजू आना। अरे आना। अरे सारी बच्चे को क्यों पकड़ा तूने? जाने देना पापा, इसे इसकी गलती का एहसास हो गया, नहीं करेगा अभी ये। तू करेगा?
देख, और सुनना, अपनी पहचान वाला है, अगर मैं उसे नहीं छुड़वा पाया ना तो खामखा मेरी इज्जत की धजिया उड़ जाएगी। राउंड करें वरना इसे तो मैं दो दिन के लिए जेल में डालती, सारी अक्कल ठिकाने आ जाती। अरे अक्कल ठिकाने लगा ना मेरे इसका। hey, sorry बोल। Sorry. कान पकड़ इधर आ जा। सॉरी सॉरी बोल। प्लीज जाने देना यार। इस बार छोड़ती हूँ, अगली बार तू सड़क पे जुआ खेलते दिखाई दिया ना, निकल यहाँ से। दीपक तुम भी कैसे कैसे लोगों के साथ तुम दो। स्माइल दीपक। अरे अच्छी तरह से स्माइल कर। कैसे कैसे लोगों से मिलते जुलते रहते हो तुम। तो फोटो आया देख, है ना, ये ना ड्यूटी के बाद क्या कर रही है तू, फिल्म देखने चले। वैसे भी यार बहुत दिन हो गए हम दोनों कहीं साथ बाहर गए हुए। पागल है क्या, परसों ही तो गए थे। एक मिनट भी तुझसे अलग रहता हूँ ना तो ऐसा लगता कि सदियाँ बीत गई हैं और तू परसों की बात कर रही है। चलना यार प्लीज। चल ड्यूटी के बाद तुझे फोन करती हूँ। हाँ करेक्ट। और सुन यूनिफॉर्म बदल कर आना वरना लोगों को लगेगा कि तू मुझे भी अरेस्ट करके ले जा रही है। पागल। पागल कैसा ही तो बोल यहाँ से। मैं ड्यूटी पे होता हूँ ना, मैं रोज रोज आता हूँ क्या इधर। ओ साहेब यहाँ पर एक बार। ये सही फोटो है ना। तुझे सुरवे अंकल याद है। अरे वो जिनका केरोसिन का दुकान है ना। हाँ 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 वो ना मेरे लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। वाह गुड। यार गुड तो है पर मेरे को ना मेरे को क्या मतलब तेरे को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे? हाँ मतलब ज्यादा कुछ नहीं, वो पुलिस केरोसिन का ब्लैक करने वालों की दुकान पर रेड मारती है ना। हाँ। तो रेड मारने से पहले तुझे तो पता चल ही जाता होगा। हाँ तो जब उनके दुकान पर रेड पड़ेगी तो तू मुझे पहले बता देना, क्या है कि उनका नुकसान होने से बच जाएगा और मेरी जॉब भी लग जाएगी। हाँ तो पागल है क्या दीपक, सुबह वो जुआ खेलने वाले को बचा रहा था और अब ये ब्लैक करने वाले को बचा रहा है। अरे यार बचा कहाँ रहा हूँ मैं, इसको गिव एंड टेक बोलते हैं जागृति, बिजनेस बिजनेस। अच्छा कैसे। देख मेरी जॉब लगेगी तभी तू अपने घर में हमारी शादी की बात कर पाएगी ना, समझना यार, छोटा सा तो काम है। प्लीज प्लीज दीपक। अरे यार प्लीज जान मान जा प्लीज। ठीक है बता दूंगी। चल अब पानी पूरी खा। हाँ पानी पूरी खिलाइए। ये जागृति कभी समझ नहीं पाई कि दीपक उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सर शुरू में तो नहीं लेकिन बाद में उसे पता चल गया कि थैंक यू सर। बाद में उसे दीपक की हरकतों के बारे में पता चल गया। एक दिन जब उसने देखा कुछ दुकान वालों ने अपनी दुकानें इलीगल तरीके से आगे बढ़ा ली हैं, तो वो ए ये सब क्या चल रहा है यहाँ। हाँ तुम्हारी दुकान की लिमिट वहाँ तक है ना, ये यहाँ तक कैसे आया सामान सारा, इलीगल है, हटाओ यहाँ से, लॉकर लॉकर। अरे मैडम मालूम है इलीगल है लेकिन इसी बात का तो हम आपको हफ्ता देते हैं। वो आपके मंगेतर दीपक हर हफ्ते हमसे पैसे लेके जाता है। बकवास मत कर। मैडम हमसे गेम क्यों खेल रहे हैं आप। ये मैडम से तमीज से बात कर। साहब अभी तक हमने बदतमीजी नहीं की है लेकिन गरीब आदमी को आप इसी तरह परेशान करेंगे ना तो तमाशा खड़ा करना हमको भी आता है। ए महेश फिरोज अरे भाई इधर आओ जल्दी। क्या बात है भाई क्या हुआ। अरे हुआ ये है, ये मैडम के जो मंगेतर है ना हमसे वो हफ्ता लेकर जाते हैं और ये जो है ना क्या चुप हो जाए। सुनो मैडम मेरे साथ आओ यहाँ पे आओ। पैसा देते हैं कोई फ्री में नहीं हम दुकान लगाते हैं इधर। देखो ये सब लोग सच बोल रहे हैं और मैंने खुद भी देखा है, दीपक तुम्हारा नाम लेकर इन लोग से पैसे लेता है। मैंने बहुत बार सोचा तुम्हें यह सब बताऊं लेकिन बता नहीं पाया क्योंकि तुम तो वर्दी क्या कर दिखा रही है मेरे को। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तूने कभी रिश्वत लिया ही नहीं है, है? दिखाती है ना तूने अपनी औकात कि तू तुच्छा फ्रॉड, दो कौड़ी का इंसान है तू, दो कौड़ी का। तुझे पता है तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना आई बाबा से मैंने अपनी शादी की बात नहीं की और अच्छा हुआ नहीं की क्योंकि तू तो उसके लायक ही नहीं है। आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। हाँ खत्म। दिखाई मत देना तू मुझे वरना वर्दी की अकड़ क्या होती है ना, दिखाऊंगी मैं तुझे। भरे बाजार में सबके सामने तूने मेरी बेइज्जती की है ना, अब मैं भी देख मैं कैसे तेरा तमाशा बनाता हूँ, तू देख। हाँ
बोल। तूने पर्सनल फोटो पब्लिक में लाके अपनी औकात दिखा दी ना। तूने भी तो पब्लिक में मेरी बेइज्जती की थी ना, तो जवाब तो पब्लिक में ही देना पड़ेगा। साले, तुझे पता है ना, तुझे पता है मैं इसके लिए तुझे जेल में सड़ा सकती हूँ। क्या? एक भूल मत तू, मैंने भी तेरे साथ पुलिस की ट्रेनिंग ली थी, और पुलिस को सबूत मांगता है, पहले तो साबित कर कि मैंने किया, फिर सड़ा देना। बात तो सही है, सबूत तो चाहिए, और इसीलिए दीपक को उठाने से पहले ये पता करो कि जागृति का जब मर्डर हुआ तब उसकी मोबाइल लोकेशन क्या थी। हो सर। अच्छा एक बात बताओ गायकोड, ये रमेश पवार कौन है? 3 दिन हो गए मुझे यहाँ हुए, मैंने देखा तो नहीं उसको। छुट्टी पर है क्या? सर छुट्टी पे नहीं है, सस्पेंडेड। क्यों? सर एक्चुअली उसके सस्पेंशन का कारण भी ये जागृति ही थी। मतलब क्या हुआ, तबीयत खराब है? अरे खाना भी नहीं खाया अब तक? हाँ बस मन नहीं कर रहा था। परेशान हो? कहीं दीपक तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देख तुम अगर बताना नहीं चाहती तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा मूड पहले से ही खराब है, मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन खाना छोड़कर अपनी तबीयत क्यों खराब करनी है, बराबर है कि नहीं? चलो खाना खाओ। नहीं मैं बात। अरे खा लो बाबा, इतनी कितना टाइम भूखी रहोगी। अरे बाप रे क्या हो रहा है, ठीक तो? अच्छा बैठो, ये लो पानी पियो। पियो। जागृति अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी ले लो ना। नहीं ले सकती, बहुत काम पेंडिंग है। मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुम सारा काम मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। तुम घर जाकर रेस्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। प्लीज जाओ घर जाओ। नाइट ड्यूटी है ना, चाय तो लगेगी, इसलिए तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। लो थैंक यू। जागृति एक बात बोलूं? नहीं वो मैं वो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो शादी का क्या इरादा है, कब करनी है शादी? तुम बताओ कब करनी है, अगले महीने, अगले हफ्ते या फिर कल? जब तुम बोलोगे तब मैं करूँगा। मेरा प्रमोशन ड्यू है तो सोच रही हूँ एक बार प्रमोशन हो जाए फिर करते हैं शादी। ठीक है। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। सर कुछ खास नहीं, वो क्या है ना कि सर मेरा प्रमोशन ड्यू है, तो अगर आप रिकमेंडेशन लेटर पे साइन कर देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है कर दूंगा, लेकिन ये अचानक इतनी जल्दी क्यों? सर वो मैं शादी कर रही हूँ। अच्छा शादी के लिए प्रमोशन चाहिए? मैं तो आज तक सोचता था कि शादी के लिए तो पार्टनर की जरूरत होती है। सर वो ठीक है कर दूंगा। वैसे ये लड़का कौन है, क्या करता है? सर अपने डिपार्टमेंट में, अपने पुलिस स्टेशन में। अच्छा कौन? रमेश पवार। रमेश पवार जी। तुम उससे शादी कर रही हो? जी सर। जरा बुलाओ उसे। सर रमेश तो अभी छुट्टी पे गया हुआ है। अच्छा जागृति क्या रमेश ने तुम्हें ये तो बताया है ना कि वो अभी शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है? रमेश कहाँ? कौन है आप? कौन है?
रमेश क्या बुलाओ उसे? अरे आपको बोला ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हाँ, तूने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तू शादीशुदा है? हाँ, ये क्या बात कर रही तू? देख तमीज से बात कर। मैं तमीज से बात करूँ? मैं तमीज से बात करूँ? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू देख सबके सामने तुझे कैसे नम्मा करती हूँ। अरे बात सुनो, देखो देखो देख, तूने कैसा अच्छा मजा लेके निकल लेगा तू? तूने मुझे ही नहीं अपनी बीवी को भी धोखा दिया है। तेरी इस मजे को ना मैं तेरी सजा बना दूंगी, देखना तू। कब से प्यार से बात करूं तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या? सोने प्यार, प्यार क्या होता है सोने? तुझे कुछ कभी नहीं पता। रमेश चलो जी छोड़े बोला। अरे चल हट। सारे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, इसका खुद का भी तो अफेयर चल रहा था, मैं कब से इसके पास। तुम दोनों पुलिस वाले हो और इस तरह पब्लिक में तमाशा कर रहे हो, क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ तुम दोनों अभी के अभी मुझे पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट करोगे। बड़े शर्म की बात है, हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं। बहुत बुरा हुआ इस जागृति के साथ, उसने जिस जिस पर भरोसा किया उन सब ने उसे धोखा दिया। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोला। गुड ठीक है सर, सीमा के बॉयफ्रेंड संजय का पता चल गया। इस वक्त तो दिल्ली में कुछ काम से गया था, उसे इमीडिएटली वापस आने के लिए कहा है और उसकी मोबाइल की लोकेशन भी मंगवा ली है। गुड। ये रमेश पवार को सिर्फ सस्पेंड क्यों किया? साले को मैरिज एक्ट का चार्ज लगाकर अंदर करना चाहिए था। सर मैं भी उसे अंदर करना चाहता था लेकिन जागृति ने कंप्लेंट करने से मना कर दिया। आई कैन अंडरस्टैंड। सोचो गायकवाड पुलिस डिपार्टमेंट की कांस्टेबल का ये हाल है तो आम लड़कियों के साथ क्या होता होगा। लेकिन जो काम जागृति ने नहीं किया वो अब हम करेंगे। रमेश की और दीपक की मोबाइल लोकेशन निकलो और पता करो मर्डर वाले दिन वो कहां थे। सर सर मोबाइल लोकेशंस के मुताबिक जागृति के मर्डर के वक्त दीपक और रमेश की मोबाइल की लोकेशन सेम थी, मतलब पॉसिबल है कि ये दोनों साथ में हो। पर ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिशन में है, तो ये साथ में क्या कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिलजले फ्रॉड आशिक इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर्स किए हों? एक काम करो अपने खबरियों को काम पर लगाओ, अब सच क्या है ये दोनों खुद बताएंगे। दीपक ना हाँ। चल। अरे किधर साहब? चलना बता दो। चल बताओ तो कहीं। चलना। अरे किधर ले जा रहे बताओ ना। वो जागृति राणे मर्डर केस में साहब ने तेरे को पुलिस स्टेशन बुलाया, चल। हाँ तो चलता हूँ ना साहब। हाथ छोड़ो ना साहब, इधर इज्जत है अपनी। हाँ छोड़ना भाई, जा रहा हूँ ना। देखिए हटना ही था, पकड़। जी रमेश कहाँ है? गायकवाड़ सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चलो अब सच सच बताओ कि तुमने जागृति और सीमा को क्यों मारा और कैसे मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने तो कई दिनों से उसकी शक्ल तक नहीं देखी सर। अच्छा? उसे नहीं मारा। तू पुलिस वाला है ना, तू तो ये जानता ही होगा कि मोबाइल लोकेशन क्या चीज होती है। तुम दोनों की मोबाइल लोकेशन ये बता रही है कि जब जागृति और सीमा का खून हुआ उस दिन दोपहर से लेकर रात तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे, और ये तेरा पार्टनर इसने तो भागने की कोशिश की, तो ये साबित हो गया कि इन दोनों का खून तुम्हीं ने किया है। सर हम दोनों एक साथ ही थे लेकिन जागृति को मारने के लिए नहीं, दारू पीने के लिए। इसने मुझे फोन किया था और दारू पीने के लिए बुलाया था। हाँ सर। दारू पीना बहुत बुरी बात है, और तुम दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त कब से हो गए? छी 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 छी, क्या हाल बना दिया रे तेरा उसने, एकदम हीरो से जीरो। बड़ा सीना चौड़ा करके घूमता था ना तू, सस्पेंड करवा के घर में बिठा दिया तेरे को। हे तेरे जख्म पे नमक नहीं छिड़क रहा मैं। जैसा पब्लिक में उसने तेरा बेइज्जती किया ना, वैसा ही बेइज्जती उसने मेरा भी किया है पब्लिक में। मेरे को तो बदला लेने का है तो सोचा साथ मिल के लेते हैं, क्या बोलता है? मर्द की औलाद है तू। और तुम ना बर्दों ने अपनी मर्दानगी निकालने के लिए ये तरीका ढूंढ निकाला। सर, एक लड़की को बदनाम किया। सर
सारे आइडियाज इसके थे, मैंने तो बस इसका साथ दिया। आजकल एक रात का क्या रेट चल रहा है तेरा? अरे ऐसा चिल्लाएगी ना तो तेरे कस्टमर्स मिलना बंद हो जाएंगे तुझे। जोशी मैडम, इसको इसके आइडिया का इनाम दो। और ये तो हम में से ही एक है, इसको तो आप मारना 10 और गिनना 1। गायकवाड़ वाम आगे, जरा जागा दे मैडम ने। अरे मैडम भाई, मेरे भाई, मैडम और मर्द, मजा आया एक औरत के हाथ से मार खा के? हाँ सर, सच बोल रहा हूँ, हमने किसी को नहीं मारा। तुम दोनों ने जागृति को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उससे तुम्हारी मर्दानगी को चैन नहीं मिला, और इसीलिए तुमने उसका और उसकी बहन का खून कर दिया और लटका दिया ताकि हमें गुमराह कर सको। हाँ नहीं सर, हमने उसको नहीं मारा सर। नहीं मारा? गायकवाड़ बिठा के रखो इनको, और हर आधे घंटे के बाद तोड़ते रहना सालों को। अरे सर, तो सर हमने किसी को नहीं मारा सर। ये केस इसलिए भी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ एक नहीं 2 मर्डर्स हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब एक बहन की हत्या हो रही थी तब दूसरी बहन वहां गलती से पहुंच गई और इसीलिए उसका भी मर्डर हुआ, या फिर किसी के पास सीमा और जागृति दोनों के मर्डर करने का मोटिव था? सस्पेक्ट्स घर वाले भी थे और बाहर वाले भी। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे हमारे सामने कोई नई लीड आ रही थी, हम लोगों से कड़ी पूछताछ कर रहे थे, और अब बारी थी सीमा के बॉयफ्रेंड संजय की। सर, इस संजय को 2 घंटे से बिठाया हुआ है, और कितनी देर बिठाएंगे? पहले से घबराया हुआ लग रहा है। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर क्रिएट होता है ना गायकवाड़, तभी सीटी बजती है। ये तेरे मोबाइल लोकेशन की रिपोर्ट, जिससे ये साबित होता है कि जब मर्डर हुआ तब तू सीमा के घर में था। बोल क्या कर रहा था वहां पर? सर जी मैं वहां गया था, लेकिन मैं खुद से नहीं गया था, सीमा ने मुझे बुलाया था। सर वो बोली कि उसके आई बाबा किसी के यहाँ शादी पर जा रहे हैं, तो हम उसके घर के पास वाले पार्क में मिल सकते हैं। और सर जी बाहर के बैठ के हमने कुछ देर बातें की, और फिर मैं उसे छोड़ने चला गया, और घर के बाहर भी कुछ सर आधे घंटे बात की बस। टाइम क्या हुआ था तब? सर यही कोई 1:15 बजा था, लेकिन सर मैं उसके घर के अंदर नहीं गया, बाहर से ही आ गया था। ये हो गया तेरा वर्जन, अब मेरा वाला वर्जन सुन। तू उसके घर गया तो जाऊं मैं? संजय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। दरअसल बात ये है संजय की, I'm pregnant। तुम अभी मुझे बता रही हो? संजय मुझे खुद अभी पता चला है। तुम प्रिकॉशन लेना चाहिए था कम से कम। अब क्या कर रहे हैं? हम शादी कर लेते हैं संजय। लेकिन अभी 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 इतना जल्दी कैसे हो सकता है सारी चीजें? कुछ तो करो संजय, मैं तो मम्मी पापा को कैसे फेस करूं? देखो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता है। संजय आई ट्रस्ट यू, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो, प्लीज। ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब एक ग्लास पानी मिल सकता है? यही किया ना तूने, बहती गंगा में हाथ धो लिया। सर जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ सर जी, मैंने किसी को नहीं मारा सर। और सर रही बात प्रेग्नेंट वाली, तो सर उस बारे के बाद मुझे मालूम ही नहीं था। और सर क्या सबूत है कि बच्चा मेरा ही है? गायकवाड़ बगा, पब्लिक कितनी होशियार है, पुलिस के पास हर बात का सबूत मांगती है। सबूत तो हम तुम्हें देंगे सर, लेकिन तब तक तू हमारे पुलिस स्टेशन का मेहमान बनकर रहेगा। क्यों जाला? सर 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 मेरी बात पे यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ किया नहीं सर। सर सीमा के फिटनेस का DNA संजय से मैच करता है, वो बच्चा संजय का ही है। गायकोड़ी से ये तो साबित होता है कि बच्चा संजय का है, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि ये मर्डर संजय ने किया है? क्योंकि अगर उसने सीमा का मर्डर किया तो फिर उसने जागृति को क्यों मारा? दीपक और रमेश के खिलाफ भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और अगर इन तीनों में से किसी ने भी ये मर्डर्स नहीं किए हैं तो फिर किसने किए हैं? एक काम करो गायकोड़, जागृति के पिता सुधीर राणे, उनकी मोबाइल लोकेशन निकलवा और उन्हें पुलिस स्टेशन बुला। सर आपको लगता है कि ये सुधीर ने अपने बेटियों को मारा? क्यों नहीं, इन्हीं बेटियों की वजह से सुधीर राणे की बहुत बदनामी हुई है, मोटिव तो है उसके पास। राणे साहब
मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, मैं आपका दर्द पूरी तरह समझता हूँ। आपकी तीन बेटियाँ थी, जागृति की वजह से आप पहले से ही बहुत बदनाम थे, सीमा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, बहुत मुश्किल रहा होगा ये सब सहन कर पाना, है ना? हाँ, साहब। अच्छा, उस दिन मतलब मर्डर वाले दिन आप कहाँ गए थे, आपने बताया था? उस दिन हम अपने रिश्तेदार के शादी में गए थे। शादी में गए थे? अच्छा, कितने बजे गए थे? 12:30 के आसपास। तो 12:30 बजे आप शादी में गए और 1 बजे आप घर वापस आ गए? नहीं, मतलब 1 बजे आप वापस आ गए। आपने ये बात हमें बताई नहीं, लेकिन आपके मोबाइल लोकेशन ने बता दी। 1 बजे आप घर वापस आए थे, क्यों आए थे? साहब, मैं आलो तो घर ही, मैं वापस गया था। वो मेरी बीबी शगुन का लिफाफा लाना भूल गई थी, इसलिए मुझे घर पे वापस जाना पड़ा। अच्छा, और तब ये दो बहनें कहाँ थी? सीमा तो दिखी नहीं, जागृति किचन में ही खाना बना रही थी, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। मैंने खुद ही लिफाफा ढूंढा और निकल गया। आश्चर्य है, मतलब आपने अपनी बेटी से पूछा नहीं कि बाबा कूटे एनवेलप पाइल का, कुछ भी नहीं पूछा आपने, ऐसे ही चले गए? जब से उसके वजह से हमारी बदनामी हुई ना, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। ये बात तो सच है, मैं जानता हूँ ये बात सच है, लेकिन ये झूठ है कि आप लिफाफा लेने के लिए वापस गए थे। जागृति की वजह से आप पहले से ही बहुत बदनाम थे। आपकी दूसरी बेटी सीमा शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, आपको ये चिंता खाई जा रही थी कि आपके तीसरी बेटी के साथ क्या होगा, आपके मन में बहुत गुस्सा था और उसी गुस्से में आकर आपने जागृति का खून कर दिया। अरे बाबा, कब आए? क्या बाबा, क्या बोलते हैं सर? तुम्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, जागृति मेरी बेटी थी। हाँ, मैं उससे नाराज था, लेकिन मैं उसका कभी खून नहीं कर सकता, कभी नहीं। सीमा के बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं था। ठीक है, आप जा सकते हैं। एक बात नोट की तुमने गायकवाड़, जब सुधीर अपने घर गए तब जागृति खाना बना रही थी। सीमा और अपने लिए बना रही होगी। इतने कंसंट्रेशन के साथ बना रही थी कि उसके पिता घर पे आकर लिफाफा लेकर चले गए और उसे पता ही नहीं चला। वैसे वो दीपक और रमेश की कॉल रिकॉर्ड्स तुमने निकली, कुछ पता चला? अरे हाँ सर, वही बोलने आया था मैं। उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर मिला है जिनसे उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में काफी बात की, पर ये नंबर किसी और का नहीं, जागृति के मंगेतर प्रशांत का है। सर, जागृति ने मुझे बताया था कि वो दोनों उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। पहले तो मैं उन दोनों को फ़ोन पर समझाता रहा, लेकिन जब वो दोनों नहीं माने तो मैं उनसे मिलने गया। शेवट की वार्निंग देता मैं तुम्हारा दुकान, अगर इसके बाद भी तुम दोनों ने जागृति को परेशान किया ना, तो तुम दोनों सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इस बार हाथ नहीं उठाया मैंने, लेकिन जिस दिन उठाऊंगा ना, फिर रुकूंगा नहीं। ठीक है प्रशांत, तुम जा सकते हो। गायकवाड़, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दीपक और रमेश जागृति को सिर्फ हरास नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल भी कर रहे थे? एक काम करो, जागृति के बैंक डिटेल्स निकलवाओ और साथ में उसके पिता सुधीर और इस प्रशांत के भी। सर, जागृति के अकाउंट से कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ना ही सुधीर या प्रशांत के अकाउंट से हुई, लेकिन सर प्रशांत के अकाउंट में एक अजीब बात है। मर्डर वाले दिन उसके डेबिट कार्ड से उसने मिठाई खरीदी थी, जबकि उसके मोबाइल की लोकेशन उसके घर की थी। क्योंकि मोबाइल तो घर पर भी छोड़ा जा सकता है गायकवाड़। इस रस्सी को जानता है? जानता ही होगा, क्योंकि ये रस्सी तूने ही खरीदी है जिस दिन जागृति और सीमा का मर्डर हुआ उस दिन। नहीं सर, मैंने नहीं खरीदी है। खैर, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये रस्सी मैंने खरीदी थी? गायकवाड़, लो
एक और आ गया प्रूफ मांगने वाला। हमारे पास प्रूफ है प्रशांत, और इसीलिए हम बोल रहे हैं। नाइक रखवा। देख प्रूफ तू है ना, हार्डवेयर शॉप में तू गया और तूने वहां कैश देकर रस्सी खरीदी, ये रस्सी। अब सीक्वल दिखाओ इसको। उसके बाद तू इस स्वीट शॉप में गया और वहां से तूने मिठाई खरीदी, और वहां तूने अपनी पहली गलती की। इस बार तूने कैश पेमेंट नहीं किया, इस बार तूने अपना डेबिट कार्ड यूज किया। ये मिठाई का डब्बा लेकर तू जागृति के घर गया, वहां तूने अपनी दूसरी गलती की। ये मिठाई का डब्बा तूने जागृति के घर पे ही छोड़ दिया। बाद में ये पैक्ड मिठाई का डब्बा उसके फ्रिज में था। और चाहिए प्रूफ? बोल बोल। गायकोड फोड़ा। नहीं सर, एक मिनट, बताता हूँ सर, बताता हूँ। दीपक और रमेश ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। ये देख, बिस्तर वाला भी दिखा दे। अरे यार वो कैसे दिखा सकते हैं? अरे अब दिखा ही रहे तो सब कुछ दिखा दे। चल ठीक है। अब यकीन हुआ तू हम दोनों का जूठा खाने को जा रहा था? सिर्फ मेरे बचे थे, बाकी सब कुछ हो गया था हमारे बीच। मेरे से तो शादी करने के लिए पागल हो गई थी। उसकी बॉडी पे कहाँ कहाँ क्या निशान है, कितने तिल है, सब बता सकता। अबे चुप चुप साले, चुप। सही तो अरे उसे क्यों मार रहा तू? सही तो बोल रहा है वो। मेरे ऊपर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, समझा ना? तेरे को झूठ लगता है ना तो कंफर्म कर ले। और इतना ही नहीं, ये देख देख क्या ही है। धंधा शुरू कर दिया इसने, कॉल गर्ल बन गई है वो। मैं बहुत गुस्से में था सर, बदला लेना चाहता था मैं उससे। मैं जानता था कि उस दिन उसकी फैमिली शादी में जाने वाली है, इसलिए मैंने जागृति को फोन किया और उससे कहा कि मैं लंच के लिए उसके घर पर आ रहा हूं। हाय। हाय। आओ ना। ये मिठाई है। मेरे लिए? हाँ। थैंक यू। अच्छा खाना भी रेडी, मैं लगाती हूँ। तुम बैठो। हमने प्रशांत के खिलाफ मर्डर का और दीपक और रमेश के खिलाफ डिफेमेशन का केस दायर कर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। क्राइम की दस्तक को नजरअंदाज करना मतलब क्राइम को अपने घर में न्योता देना। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ, दोबारा मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? खोलेगी, खोलेगी। जागृति, जागृति काय झोपा काढतेत का? खोलेगी, खोलेगी। चावी आहे तुझ्याकडे? आहे आहे। का गर्मीने हैराण झालोय त्याच्यात, परत हे लोक ना काय गर्मी आहे बाप। चलो हो गया शादी वरती। सीमा कुठे आहे मुली? बघा ना जागृति। ए सर ये तो जागृति का घर है क्या? हाँ सर। क्या हुआ? सर ये घर जागृति राणे का है। कौन? हमारे डिपार्टमेंट के। एक्चुअली हमारे थाने में हेड कांस्टेबल है।
आओ देखते हैं। सर यही तो जागृति राणे है। मुझे पुलिस स्टेशन का चार्ज लिए हुए 3 दिन हो गए लेकिन मैंने इसे कभी देखा नहीं। सर थी छुट्टी पर होती, उसकी शादी होने वाली थी। ओ ये दूसरी लड़की कौन है? सर ये जागृति की छोटी बहन सीमा। देखने से ऐसा लगता है कि जागृति पहले लड़की है और ये सीमा बाद में। देखो इन दोनों की गांठ देखो, अलग अलग बांधी गई है और ये सीमा की गांठ लगता है बहुत जल्दबाजी में बांधी गई है। पॉसिबल है कि जागृति पहले मरी है और सीमा बाद में। दोनों की बॉडीज नीचे उतारो, फोटोग्राफर और फॉरेंसिक को फोन करो। सर योशी मैडम खाली है ना? सर सर हम सब बहुत शौक में, बहुत बड़ा झटका लगा है हमें। ये लोग तो अभी अभी आपसे कोई बात नहीं कर पाएंगे।